डियर स्टूडेंट नमस्कार, आज हम फॉर्मेटिंग एंड फंक्शंस इन एक्सेल इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन एमएस एक्सेल विच अलाउज यू टू मेक द एक्सेल डॉक्यूमेंट लुक मोर रीडेबल एंड अट्रैक्टिव। कह रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल का और यह आपके डॉक्यूमेंट को रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य और अट्रैक्टिव आकर्षक बनाता है। लेट्स गो थ्रू द चैप्टर टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फॉर्मेट फाइल इन एक्सेल स्प्रेडशीट। चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एक्सेल की स्प्रेडशीट को हम किस प्रकार से फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहली जो टॉपिक में हेडिंग है वो है फॉर्मेटिंग सेल्स, सेल्स को फॉर्मेट करना। बी फॉर्मेट द सेल्स टू मेक द आउटलाइन ऑफ स्प्रेडशीट लुक बेटर, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू रीड। रीड ही लिखा है। अच्छा, रीड द गिवन डाटा। कह रहे हैं हम जो आउटलाइन होती है स्प्रेडशीट के सेल की उसको अच्छा इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें डाटा को रीड करने में दिक्कत ना हो। फॉर्मेटेड सेल एंड टेक्स्ट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द व्यूअर टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एंड मेक द स्प्रेडशीट विजुअली मोर अपीलिंग एंड रीडेबल। कह रहे हैं जो फॉर्मेटेड सेल हो जाते हैं, जो टेक्स्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा अटेंशन ध्यान ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं किसी भी व्यूअर का, जिसकी वजह से जो डाटा होता है उसको आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट का जो अपीयरेंस यानी जो प्रदर्शन करता है उसको चेंज करना है। कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आर अवेलेबल इन द फ्रंट अलाइनमेंट एंड नंबर ऑफ नंबर ग्रुप्स ऑन द रिबन। कह रहे हैं कौन कौन से कमांड्स हो सकते हैं जिसमें फ्रंट हो सकता है, अलाइनमेंट होता है और नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं। फ्रंट कमांड अलाउज यू टू चेंज स्टाइल साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। फ्रंट जो होता है यह कमांड आप किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल साइज एंड कलर चेंज करने के लिए होता है। अलाइनमेंट कमांड अलाउ यू टू फॉर्मेट हाउ टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड अक्रॉस सेल बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अलाइनमेंट जो होता है वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है, कैसे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फिर आता है नंबर। नंबर कमांड अलाउ यू टू चेंज हाउ द सिलेक्टेड सेल विल डिस्प्ले नंबर एंड डेट्स। ठीक है, इसका जो काम होता है वो सेल में डेट एंड नंबर नंबर डिस्प्ले करने का होता है। नेक्स्ट आता है टू चेंज द फंड टाइप फॉलो द गिवन स्टेप। किसी भी फंड टाइप को चेंज करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करें। सिलेक्ट द सेल डेट कंटेन टैक्स, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें टैक्स लिखा हुआ है। क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द फंड ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट इन द फंड ग्रुप। ठीक है, फंड ग्रुप जो फंड ऑप्शन है फंड ग्रुप में से उसको सिलेक्ट कीजिए। मूव द माउस ओवर द वेरियस फंड्स, माउस को जो फंड्स दिए हुए हैं उन पर मूव कीजिए। सिलेक्ट द फंड यू वांट टू यूज़, जो आपको यूज़ करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। द सिलेक्ट फंड टाइप विल बी अप्लाई टू द सिलेक्टेड सेल, और जो सिलेक्ट करेंगे वो आपके अप्लाई उस पर हो जाएगा। इसमें है चेंजिंग द फंड साइज, फंड का साइज चेंज करना है। साइज चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सिलेक्ट द सेल डेट कंटेन टेक्स्ट दैट नीड टू बी मॉडिफाई, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप मॉडिफाई यानी कि चेंज करना चाहते हैं। क्लिक द फंड ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द प्रेजेंट इन द फंड ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब पे फंड ग्रुप में फंड ड्रॉप डाउन एरो को जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे। द फंड साइज ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, इस प्रकार से फंड साइज का जो ड्रॉप डाउन एरो होता है वो खुल कर आएगा। थर्ड में मूव योर माउस ओवर द वेरियस फंड साइज, अपने माउस को वेरियस फंड साइज पर ले जाइए। ए लाइव प्रीव्यू ऑफ द फंड साइज विल अपीयर इन द वर्कशीट। जैसे ही आप उसको उस पर मतलब मूव करेंगे तो जो लाइव फंड साइज होगा वो भी इसमें दिखाई देगा। ए लाइन प्रीव्यू ऑफ फंड साइज विल अपीयर इन द वर्कशीट, और उसी प्रकार से वर्कशीट में लाइन ओपन होकर आ जाएगी। सिलेक्ट द फंड साइज यू वांट टू यूज, आप उसको यूज़ कर लीजिए जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों ऑप्शन एक ही उसमें पाए जाते हैं जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द टेक्स्ट टू बी मॉडिफाइड,
आप उस सेल को मतलब सेलेक्ट करेंगे जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। सेकेंड, क्लिक ऑन दी होम टैब, उसके बाद आपको होम टैब पर क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन में बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन आर प्रेजेंट इन द फंट ग्रुप। फंट ग्रुप में बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शन मिलेंगे। क्लिक ऑन बोल्ड ऑप्शन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। इटैलिक ऑप्शन टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछे ऑप्शन का जो यूज़ होता है टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। एंड अंडरलाइन ऑप्शन गिव अंडरलाइन बिलो द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो अंडरलाइन का ऑप्शन है उससे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। लास्ट हेडिंग है एडिंग ए बॉर्डर। आपको बॉर्डर लगाना है किसी भी सेल पे। बॉर्डर लगाने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मॉडिफाई। उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसे बॉर्डर लगाना चाहते हैं। क्लिक ऑन दी बॉटम बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट इन द फ्रंट ग्रुप। फ्रंट ग्रुप में बॉटम बॉर्डर का एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो मेनू विल अपीयर। क्लिक करते ही एक मेनू ओपन होकर आएगा। सिलेक्ट द डिजायर बॉर्डर स्टाइल इट विल बी अप्लाइड टू योर सेल। और अपनी इच्छा अनुसार उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और वही इस पर अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट फिर आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।